आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम रेज। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, रोमन संख्या में 43 को क्या प्रदर्शित करेंगे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। आप सभी लोग रोमन संख्या तो जानते होंगे, जैसे रोमन संख्या पे 1 को क्या लिखा जाता है, इस टाइप से लिखा जाता है। 2 को क्या लिखा जाता है, 2 को डबल आई के रूप में लिखा जाता है। इसी प्रकार 10 को क्या लिखा जाता है, 10 को लिखा जाता है एक्स लिखा जाता है। तो हमें बताना है कि 43 को क्या लिखा जाएगा। तो 43 को लिखा जाएगा एक्स एल ट्रिपल आई, ठीक है। 43 को इस टाइप से प्रदर्शित करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि रोमन संख्या में 100 को क्या लिखा जाता है, ठीक है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सूक्ष्म जीव प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या का दुगुना कर लेता है। आई रिपीट, एक सूक्ष्म जीव प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या का दुगुना कर लेता है। इसके बाद क्वेश्चन पे क्या बोला है, 30 दिन के अंत में इनकी संख्या कितनी है, 84 लाख है, तो इसकी संख्या 21 लाख कब थी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन पे क्या बोला है, 30 दिन के अंत में इनकी संख्या कितनी थी, तो हमने लिख दिया 30 दिन के अंत में कितनी संख्या थी, 84 लाख थी। और क्वेश्चन पे क्या बोला है, 24 घंटे में अपनी संख्या का दुगुना कर लेते हैं, तो ये 30 दिन में थी तो 29 दिन में कितनी हो जाएगी, 29 दिन के अंत में इनकी संख्या हो जाएगी इसका 84 लाख का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि 42 लाख हो जाएगा। इसी टाइप से हमें बताना है कि इसकी संख्या 21 लाख कब थी, ये 29 दिन के अंत में है तो 28 दिन के अंत में कितनी हो जाएगी, 28 दिन के अंत में इनकी संख्या हो जाएगी 21 लाख। बस बहुत ईजी क्वेश्चन था, तो कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी पे दिया है, 28वें दिन के अंत में सूक्ष्म जीवों की संख्या कितनी होगी, 21 लाख होगी। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको किसी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेड़ प्रतिवर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 बढ़ता है, यदि आज उसकी ऊंचाई कितनी है, 64 सेंटीमीटर है, तो 2 वर्ष पश्चात उसकी ऊंचाई क्या होगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर पे काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, प्रतिवर्ष अपनी ऊंचाई का कितना बढ़ता है, 1/8 बढ़ता है। तो हम क्या करते हैं, 2 वर्ष की पूछा तो हम सबसे पहले करते हैं 1 वर्ष पश्चात वह कितना बढ़ेगा, 1 वर्ष पश्चात पेड़ की लंबाई, शॉर्ट पे लिख रहा हूँ आप सभी लोग समझ जाइएगा। तो 1 वर्ष पश्चात पेड़ की लंबाई क्या हो जाएगी, 1 वर्ष पश्चात होगी पेड़ की लंबाई 64 + 64 × 1/8, यहाँ पे इंटू है, तो कितनी हो जाएगी 1 वर्ष पश्चात, तो 8 × 8 और 8 × 64, यानी कि 64 और 8 मिलके आप यहाँ पे कितना आ गए, 72 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 वर्ष पश्चात पेड़ की लंबाई कितनी होगी, 72 सेंटीमीटर होगी। और हमें क्वेश्चन पे क्या बोला है, 2 वर्ष पश्चात ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 वर्ष पश्चात पेड़ की लंबाई, तो 2 वर्ष पश्चात पेड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी, अभी हमने निकाला था कितना था, 72 + 72 × 1/8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 × 8 और 8 × 9 = 72, तो 72 और 9 मिलके आपस में कितने हो जाएंगे, 81 हो जाएंगे, यानी कि 2 वर्ष पश्चात पेड़ की लंबाई कितनी होगी, 81 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों यदि आपको इस क्वेश्चन पे डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉग एम एन का मान किसके बराबर होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, लॉग एम एन बराबर लॉग एम प्लस लॉग एन, बस वही फार्मूला है। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो पे मैं मैथ का टेस्ट लिया हूँ, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 4 गुनी है, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 9 गुनी थी, तो बताइए पिता की वर्तमान आयु क्या होगी।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम पे पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, हमें पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुत्र की वर्तमान आयु को ज्ञात कर लेते हैं। तो हमने मान लिया कि पुत्र की वर्तमान आयु को हमने मान लिया एक्स वर्ष, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन पे क्या बोला है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र से चौगुनी है। जब हम पुत्र की वर्तमान आयु को एक्स मान लिया तो पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी 4x, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार हमने इसे लिख दिया। इसके बाद क्या बोला है, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 9 गुनी थी। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या रही होगी, पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु रही होगी x माइनस 5, पहले बोला है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का सिंबल लिया है। इसी टाइप से पिता की 5 वर्ष पहले आयु क्या रही होगी, 5 वर्ष पहले पिता की आयु, तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या रही होगी, 4x-5, ठीक है, इस टाइप से रही होगी। इसके बाद क्या बोला है, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 9 गुनी थी। यानी कि 5 वर्ष पहले पिता की उम्र कितनी थी, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र थी 4x-5, अभी मैंने बताया था, बस वही लिखा हमने। और इसके बाद क्या है, पुत्र की आयु कितनी हो गई थी, पुत्र की आयु थी 5 वर्ष पहले x-5। इसके बाद क्या बोला है, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 9 गुनी थी। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 9 गुनी है। जैसे क्वेश्चन बोला हमने उसी टाइप से बिल्कुल सॉल्व किया है। तो बस आप इसे सॉल्व कर दिए, x की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या करते हैं, इसे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे कितना आ गया, 4x-5, 9x-45। बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9x-4x=45-5। तो यहाँ पे कितना आ गया, 5x=40। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। ये किसकी आयु है, ये है पुत्र की वर्तमान आयु। और हमें किसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो पिता की वर्तमान आयु को हमने क्या माना था, पिता की वर्तमान आयु को हमने क्या माना था, 4x माना था। और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 8। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 32 वर्ष। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी पे दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 50 छात्र हैं। 40 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र कक्षा से चला जाता है तथा उसी समय एक अन्य छात्र कक्षा में आ जाता है। यदि इस प्रकार कक्षा के औसत वजन में 100 ग्राम की कमी आ जाती है तो नए छात्र का वजन किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन देखने में थोड़ा बड़ा है लेकिन है बहुत ईजी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पर क्या बोला, नए छात्र का वजन। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, नए छात्र का वजन, दोस्तों मैं यहाँ पे शॉर्ट पे लिखूंगा, आप सभी लोग समझ जाइएगा, बराबर जाने वाले छात्र का वजन माइनस कुल छात्र इनटू वजन में कमी, ठीक है। एक बार फिर से फॉर्मूला रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या बोला, नए छात्र का वजन। तो नए छात्र का वजन क्या होगा, नए छात्र का वजन बराबर जाने वाले छात्र का वजन माइनस कुल छात्र इनटू वजन में कमी। तो चलिए इस फॉर्मूले पे मान रख लीजिए। तो जाने वाले छात्र कितने किलोग्राम का था, यहाँ पे हम लिख देते हैं, नए छात्र का वजन जाने वाले छात्र कितने किलोग्राम का था, 40 किलोग्राम का था। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, माइनस
50 छात्र हैं, ठीक है। और वजन में कितनी कमी आती है, 100 ग्राम की आती है। इतना आप सभी लोग समझ गए। चलिए फिर से इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं नए छात्र का वजन बराबर, यहाँ पे कितना था, 40 था, माइनस 50 इंटू 100। दोस्तों यहाँ पे क्या बोला, 100 ग्राम में कमी आती है, तो हम क्या कर देते हैं, इसको किलोग्राम में परिवर्तित कर देंगे। किलोग्राम में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बटे में 1000 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे 20 से 20 यहाँ कट गए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इस टाइप से, यानी कि 40 माइनस 5 बराबर 35। तो नए छात्र का वजन कितना आ जाएगा, नए छात्र का वजन आ जाएगा 35 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का एक ड्रम में 3/5 पानी भरा हुआ है, जब इसमें से 38 लीटर पानी निकाला जाता है तो यह मात्र 1/8 भरा रहता है, तो ड्रम की हमें कुल क्षमता ज्ञात करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन पे क्या बोला, हमें ड्रम की कुल क्षमता ज्ञात करना है, तो हमने मान लिया ड्रम की कुल क्षमता कितनी है, एक्स लीटर है। अब क्वेश्चन पे क्या बोला है कि ड्रम पानी का 3/5 भाग भरा रहता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3x/5। अब इसके बाद क्वेश्चन पे क्या बोला है कि इसमें से 38 लीटर पानी निकाला जाता है, तो मात्र कितना पानी बचता है, 1/8 बचता है। इसमें से हमने 38 लीटर पानी को निकाल दिया, तो कितना बच जाता है, 1/8, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो चलिए इतना सॉल्व कर देते हैं, बस हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3x/5 माइनस 1/8 बराबर 38। बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, इसे सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24x-5x बराबर 38। बस आप इसे सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 19x/40 बराबर 38। तो यहाँ पे कितना आएगा, एक्स की वैल्यू फाइंड करना हमें, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स बराबर 38 × 40/19। तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38। 2 और 20 का आपस में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 2 और 20 का आपस में गुणा होगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 80 लीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 15 एवं 12 घंटों में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप 20 घंटों में इसे खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली है तथा इन पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भरेगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहली पाइप एक टंकी कितने घंटे में भर रही है, 12 घंटे पे। तो हमने लिख दिया पहली पाइप कितने घंटे में भर रही है, 15 घंटे पे। दूसरी पाइप 12 घंटे पे, और तीसरी पाइप टंकी कितने घंटे में खाली करती है, 20 घंटे पे। और टंकी की टोटल कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, आप सभी लोग बताएं कैसी आएगी। तो क्या करते हैं, 15, 12 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये टंकी की टोटल कैपेसिटी आ जाएगी। तो एक घंटे में पहली पाइप कितना पानी भरेगी, 4 पानी भरेगी, ठीक है, और दूसरी पाइप 5, और तीसरी पाइप भरेगी 3। कैसे आया, सिर्फ 60 में 15 का भाग देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 60 में 12 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, और 60 में 20 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, तीसरी पाइप जो है तो टंकी को खाली करती है, इसलिए यहाँ पे माइनस का सिंबल आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। बस आप इन सभी को जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 और 9, 9 में से 3 चले जाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 6 बचेगा, और जो 6 आया है इस 6 का इसमें भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 घंटे। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को कितने सेकंड में पार करती है, 24 सेकंड में पार करती है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, रेलगाड़ी की चाल को निकाल लेते हैं। तो चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे
समय। तो आप सोच रहे होंगे इसमें तो दूरी दी ही नहीं है, तो यहाँ पे लंबाई कितनी है, लंबाई दी है 240 मीटर, तो बस वही दूरी का काम करेंगे। तो यहाँ पे कितना है 240 बटे, और समय कितना है 24 सेकंड, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। ठीक है, चाल कितनी आ जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। और हमें क्या याद करना है कि तो रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी, 650 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी, हमें यह ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समय बराबर, समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। चाल तो अभी हमने ज्ञात किया था, चाल कितनी आई थी 10 किलोमीटर पर आवर। तो दूरी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, दूरी आ जाएगी 240 और 650 को जोड़ देंगे, तो 650 प्लस 240 और चाल कितनी है 10 मीटर प्रति सेकंड, सॉरी यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड है सेकंड। तो बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 890 बटे 10, 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया। तो यहाँ पे समय कितना आ जाएगा, समय आ जाएगा 89 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 1452 रुपये और 3 वर्ष में 1457.20 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या रहेगा, ब्याज की दर बराबर मिश्र धनों में अंतर, धनों में अंतर बटे पहला मिश्र धन इंटू 100 रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, आप सभी लोग समझ सकते हैं। ब्याज की दर बराबर मिश्र धनों में अंतर इंटू 100 बटे पहला मिश्र धन, क्या है फॉर्मूला। फॉर्मूला एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ब्याज की दर बराबर मिश्र धनों में अंतर इंटू 100 बटे पहला मिश्र धन। तो मिश्र धनों में अंतर कितना आ जाएगा, 2 वर्ष का कितना है, 2 वर्ष का है 1452 रुपये और 3 वर्ष का कितना है 1457.20 रुपये। बस अब हमें क्या करना है, इसे घटा देना है। तो इसे घटाएंगे तो कितना अंतर आएगा, इसे घटाएंगे तो अंतर आ जाएगा 145.2 का। ठीक है, 145.2 रुपये का अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्याज की दर बराबर मिश्र धनों का अंतर कितना है, मिश्र धनों का अंतर है 145.2 × 100 और पहला मिश्र धन कितना था, पहला मिश्र धन था 1452 रुपये। बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे दशमलव लगा है, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दशमलव को हम जैसे यहाँ पे हटाएंगे तो 1452 × 100 बटे 1452 × 10 आ जाएगा। 10 क्यों आया, दशमलव हमने हटा दिया था तो ये कट गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, यानी कि ब्याज की दर कितनी आ जाएगी, ब्याज की दर आ जाएगी 10%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटर गाड़ी 5 सेकंड में 50 मीटर चलती है, किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी गति क्या होगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, और इससे ईजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन पे हमें क्या करना है, उसकी गति को ज्ञात करना है, यानी कि चाल ज्ञात करना है। तो चाल क्या होती है, चाल होती है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है, दूरी है 50 मीटर और समय कितना है 5 सेकंड। लेकिन क्वेश्चन पे क्या बोला है कि किलोमीटर प्रति घंटे में हमें ज्ञात करना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम क्या कर देते हैं, 18/5 का गुणा करा देते हैं, बस आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 5 × 5 = 5 × 10, यानी कि 18 और 2 का आपस में गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटे इसका राइट आंसर रहेगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, जब भी मीटर और मीटर सेकंड में आंसर दिया हो और हमें किलोमीटर प्रति सेकंड में उसे परिवर्तित करना होता है तो 18/5 का हम इसका गुणा करा देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा।